भारत में एक दिन का एमपी एमएलए बनना भी जीवन भर की सरकारी नौकरी से बेहतर है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार हमारे इन एमपी और एमएलए पे, इनकी सैलरी और पेंशन पे टोटल 3,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करती है, वो भी तब जब ये प्यारे सांसद आम भारतीय की तुलना में 1400 गुना ज्यादा अमीर है। तो क्या जब देश की सेवा करने के लिए अग्निवीर मात्र 4 साल के लिए बन रहे हैं, तो क्या सांसद भारत माँ की सेवा करने वाले इन सांसदों को संसद वीर नहीं बना देना चाहिए? क्योंकि इनकी सैलरी और पेंशन का भुगतान करते करते आम भारतीय की जेब वीर गति को प्राप्त हो रही है। तो आज डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि इन सांसदों को, इन विधायक को टोटल कितना पैसा दिया जाता है, सैलरी में कितनी सुविधाएं दी जाती है और कितनी इनके रिटायर होने के बाद पेंशन इनको मिलती है, और क्या इन सांसदों को भी संसद वीर बनाना चाहिए। करते हैं इस पे एक विशेष और सटीक विश्लेषण, क्योंकि ये चैनल आम जनता के लिए नहीं, खास जनता के लिए है जो इंटरटेनमेंट नहीं इंफोटेनमेंट मानते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक बार ये देखते हैं कि हमारे भारत देश में टोटल सांसदों की और एमएलए की आखिर संख्या है कितनी। तो देखो, भारत में दो तरह की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार में दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो एक बार टोटल करते हैं, लोकसभा में टोटल सांसद है 543, राज्यसभा में टोटल सांसद है 245, तो इनकी संख्या हुई 788। ये केंद्र का मामला है। और हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को मिला के टोटल एमएलए की, विधायकों की संख्या है 4,130। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। वो 6 राज्यों के नाम फिर कभी, बट ये टोटल जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी संख्या है 426। तो टोटल फिगर होता है 4,556, ये विधानसभा का, और वो 700 वाला फिगर था आपका केंद्र का। तो इस प्रकार टोटल हमारे सांसदों और विधायकों की मिला के माननीय नेताओं की संख्या होती है 5,344। अब एक बार देखते हैं कि इनकी सैलरी पे, पेंशन पे, बाकी चीजों पे टोटल कितना खर्चा होता है और हमारी जेब को कितनी वीर गति प्राप्त होती है। तो भारत सरकार अपने हर एक सांसद पे ओवरऑल मंथली खर्चा करती है 2,70,000 के आसपास का। इसका जो ब्रेकअप है एक बार अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। इनकी 1,00,000 रुपए की इनको बेसिक तनख्वाह दी जाती है। उसके अलावा इनको दिया जाता है 2,000 रुपए पर डे का डेली अलाउंस, कि भैया आप विधायक साहब हैं, चलते घर से चलते फिरने आने जाने में हो जाता होगा खर्चा, दे दो। तो टोटल 2,000 पर डे के हिसाब से 60,000 रुपए का ये खर्चा इनको मिलता है। इसके अलावा इनको 70,000 कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस और मिलता है। कि अरे, ये तो घर से संसद आने जाने का खर्चा था, कल को तुम विधायक में भी अपने सांसद क्षेत्र में गए तो उसका भी तो पैसा लग सकता है, 70,000 ये वाले भी रखो। 60,000 इनको ऑफिस अलाउंस मिलता है, जिसमें कहते हैं भाई 40,000 रुपए में कोई पीएवीए रख लेना, 20,000 में तुम्हारे पेन, पेंसिल, कागज पत्तर कुछ भी आए उसका पैसा भी रखो, जेब से 1 रुपया ना लग जाए तुम्हारा, 60,000 रुपए उसके भी ले जाओ। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इनको टेलीफोन अलाउंस मिलता है 5,000 पर मंथ का, जहां पे जियो में हमारे मोटा भाई ने कह दिया कि 400 रुपए का रिचार्ज कराओ, महीने भर के मजे लो, वहां पे इनको देते हैं 5,000 रुपए भैया पर मंथ के। उसके बाद अगर एमपी साहब हमारे घूमने जाना चाहें तो बात सुन लीजिए, अगर आप रोड से चल रहे हैं 16 रुपए पर किलोमीटर हम आपको देंगे, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो फर्स्ट एसी में जाइए, अनलिमिटेड टिकट है, आपकी मर्जी है जितना घूमिए, फ्लाइट से जा रहे हैं साल के 34 टिकट देंगे, आराम से घूमो फर्स्ट क्लास में, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा हमारे सांसद साहब को कहते हैं भैया 4,000 लीटर तक पानी की टेंशन नहीं है और 50,000 यूनिट तक बिजली की टेंशन नहीं है, खूब जलाओ, आप ही की सरकार है, आप ही का देश है, कुछ करना है जो करो, आपके पैसे थोड़ी लेंगे। तो सर जी, कंक्लूजन में ऐसा बात कर लें कि देखो, तुमको तनख्वाह वैसे मिलेगी, ऑफिस आने जाने के अलग मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जाने आने के अलग मिलेंगे, खाने के अलग मिलेंगे, पीने के अलग मिलेंगे, रहने को जगह मिलेगी, आपको मोबाइल का हम देंगे, बिजली हम देंगे, पानी हम देंगे, आप बस मजे करो, और बाई चांस आपने 5 साल देश की सेवा करके अगर रिटायर हो गए तो पेंशन भी मिलेगी, वो मिलेगी 25,000 रुपए पर मंथ आपकी पेंशन फिक्स है। अब आप पूछेंगे सर जी, रिटायर तो आदमी 30 साल 40 साल की नौकरी करके होता है, वो आम आदमी होता है, नेताजी तो एक बार एक दिन भी सांसद बन गए, रिटायर होंगे, तनख्वाह उनकी पक्की है, उनकी पेंशन पक्की है। आम आदमी रिटायर होता है 30 40 साल की नौकरी करके, नेताजी 5 साल की सांसदी करके भी रिटायर हो सकते हैं। अगर दोबारा सांसद बन गए, दोबारा रिटायर होंगे, दोबारा पेंशन मिलेगी, जितनी बार सांसद बनेंगे उतनी बार पेंशन मिलेगी। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है कि सैलरी और पेंशन एक साथ मिले? इनको मिलती है, क्योंकि अगर ये एमएलए थे, पहले विधायक थे साहब,
अब विधायक से रिटायर हो गए तो विधायक की तो पेंशन आ रही है, और सांसद बन गए तो सांसद की तनख्वाह आ रही है। तो ये व्यक्ति जो हमारे माननीय है, ये सैलरी भी उठाते हैं और ये पेंशन भी उठाते हैं। तो कुल मिला के नेताजी जितनी बार सांसद बनेंगे उतनी बार उनको पेंशन मिलती है, लेकिन हाँ पहली बार जितनी नहीं मिलती, थोड़ी धीरे धीरे मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। तो लगभग आपके जो करंट एमपी है उस पे जो सालाना खर्चे का भार आ रहा है करंट एमपी पे, वो आ रहा है लगभग 256 करोड़ के आसपास। एक इंटरेस्टिंग बात और सुनते जाइए, जितने भी ये एमपी हैं जिनको इतनी सुविधा दी जा रही है, रिटायर होने के बाद पेंशन भी दी जा रही है, ये जो हमारे माननीय सांसद हैं इनकी टोटल पेंशन पे हमारा भार है मात्र 70 करोड़ रुपए पर मंथ। तो टोटल 12 महीने का मिलकर होता है 840 करोड़। तो 840 करोड़ की पेंशन जा रही है, 250 करोड़ के आसपास की सैलरी जा रही है। ये सिर्फ सांसद की बात है, विधायकों की बात अभी बाद में करेंगे। और भारत के 88% सांसद करोड़पति हैं। इनकी एवरेज नेटवर्थ जो अभी विधानसभा बैठी है, इसमें एवरेज अगर इनकी संपत्ति का लगाया जाए तो हर सांसद का जो एवरेज इनकम है वो है 16 करोड़ रुपए। और एक आम आदमी की बात की जाए तो एवरेज इनकम हमारी आती है 1,20,000 के आसपास। उस हिसाब से ये हमसे 1400 गुना ज्यादा पैसे वाले हैं, और उनको पेंशन और सैलरी की जरूरत पड़ रही है, नेताजी है पड़ती होगी। अच्छा, कुछ मैं सांसदों के नाम बता देता हूँ जो आपको पेंशन ले रहे हैं। वैसे तो सभी सांसद ले रहे हैं, लेकिन कुछ का नाम जैसे रेखा, सचिन, अनिल अंबानी जी, जी न्यूज के सुभाष चंद्रा जी, ये जितने भी सांसद रहे, कितने भी इनके पास पैसे हो, पेंशन इनकी पक्की। अब बात करते हैं हमारे विधानसभा की। तो देखो, विधानसभा में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको घुस के इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 28 राज्य हैं और अपना अपना हिसाब है। जैसे दिल्ली में विधायकों को 2,10,000 भी मिल रही है, यूपी में 1,85,000 मिल रही है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग चीजें, तो वो मैं नहीं बता सकता। बट हाँ, कुछ आपको एक ओवरऑल फिगर में बता देता हूँ कि अभी विधायकों की सैलरी पे टोटल कितना खर्च हो रहा है। अभी जो टोटल एमएलए पे खर्च हो रहा है वो हो रहा है 575 करोड़ के आसपास। ये एक टोटल है क्योंकि अलग अलग स्टेट का उस हिसाब से लगाया गया है। और इनको जो टोटल एमएलए को पेंशन जाती है वो जाती है 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यानी टोटल अगर मैं बात करूं एमपी एमएलए की करंट सैलरी और पेंशन, तो ये फिगर 3000 करोड़ से भी ऊपर जाता है। इसके अलावा छोटी मोटी सुविधाएं जो मिलती रहती है वो जैसे अलग है। राजस्थान में अभी बजट के टाइम पे हर विधायक को एक एक आईफोन गिफ्ट कर दिया गया। कोई बात नहीं, नेताजी के लिए तो बनता है, जनता इनकी सेवा में ही तो है। और कुछ में अगर आपको फैक्ट बताऊं तो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये अपने विधायकों को 8 टर्म की पेंशन दे। 5 साल अगर विधायक रह गए कोई बात नहीं, अगले 40 साल तक पेंशन ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे राजस्थान में एक बार जैसे ही विधायक रिटायर होता है उसको 35,000 की पेंशन है, दो बार होकर रिटायर हुआ 43,000 की पेंशन है, और रिटायर होता जाता है पेंशन उसकी बढ़ती जाती है। जितनी बार विधायक बनोगे उतनी आपको पेंशन बढ़ के मिलेगी। झारखंड कहते हैं गरीब राज्य है, बीमारू राज्य है, पैसे की कमी है, सही बात है, लेकिन विधायकों के लिए नहीं है। विधायकों की पेंशन 40,000 रुपए पर मंथ, और ये बढ़ती बढ़ती 1,00,000 रुपए तक भी जा सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग 7 राज्यों की कहानी आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये तो अपने एमपी एमएलए का टैक्स भी पे करते हैं कि भैया टैक्स क्यों पे करते हो, हम है ना भाई साहब, और ये सारा पैसा हमारे टैक्स पेयर की जेब से आ रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज सोचा होगा, अरे इनकी सैलरी इतनी बढ़ाता कौन है यार, आखिर कौन इनकी सैलरी इतनी बढ़ा देता है? सर, ये खुद ही बढ़ा लेते हैं क्योंकि यही तो सरकार है। एमपी खुद ही सरकार है, एमएलए खुद ही सरकार है। जहां पे विधायक बैठे और इन्हें प्रपोजल किया कि अरे सैलरी बढ़ी, सबने कहा बढ़ी, विधेयक पास। आपको कोई कानून पास कराना हो जो जनहित में हो, जो सपोज भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून पास कराना हो, तो कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है। पार्लियामेंट में या किसी भी विधानसभा में कुछ ही ऐसे बिल आते हैं जिसमें सर्वसम्मति होती है, उनमें से एक बिल है सैलरी बढ़ाने का। सैलरी 200% बढ़ा दें, हाँ जी बढ़ा दो, खुद ही सरकार है, खुद की सैलरी खुद ही बढ़ाते हैं ये। 2018 में इनकी सैलरी बढ़ाई गई और इनको कहा भाई तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, खुश हो? बोले हाँ खुश है, ना थोड़ी सी और चाहिए। बोले कोई नहीं, 2018 में बढ़ाई है लेकिन बढ़ेगी 2009 से, एक काम करो पिछले 9 साल की भी बढ़ी हुई सैलरी लो। तो ये हमारा अब सरकार का गेम है और बहुत बढ़िया है सब, कोई बात नहीं। हमारे माननीय नेताजी हैं, इनकी तो बढ़नी भी चाहिए, कितनी मेहनत करते हैं देश के लिए। अब आते हैं वीडियो के अंत पे, और मैं जाते जाते आप सब लोगों से बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ और उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। पहला सवाल कि ये जो इतना भारी भरकम हमारे एमपी एमएलए पे खर्चा किया जा रहा है, क्या ये आम भारतीय जनता पे देश में रहने की एक फीस है? जब हमारे भारत देश में ऐसी स्कीम है जहाँ पे कोई व्यक्ति देश की सीमा पे जाएगा, देश की रक्षा करेगा 4 साल तक, और 4 साल के बाद उनमें से 75% युवाओं को कहा जाएगा कि भैया तुम्हारे लिए कोई पेंशन नहीं है, जब उनकी पेंशन हमारे लिए बोझ है, तो क्या कोई व्यक्ति जो एक दिन सीट पे बैठा है, जो एक टर्म सीट पे बैठा है, क्या उसकी पेंशन का बोझ देश को उठाना चाहिए? क्या ये जो नेता इतने करोड़पति हैं,
किसकी नेटवर्थ 100 करोड़ की, किसी की 500 करोड़ की, इतनी बड़ी जिनकी नेटवर्थ है, क्या इलेक्शन का फॉर्म भरते टाइम इनको ये लिखना नहीं चाहिए कि मुझे मेरी पेंशन की आवश्यकता नहीं है? क्या पेंशन का वेवर का फॉर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए? तो सर इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, पर चर्चा समाप्त नहीं होनी चाहिए, चर्चा तो यहाँ से चालू होनी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए विचारों से अगर आप सहमत है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके ये आपके हर फैमिली ग्रुप में, हर दोस्त ग्रुप में, हर पॉलिटिकल ग्रुप में, अग्निपथ के समर्थक ग्रुप में और अग्निपथ के विरोधी ग्रुप में, हर ग्रुप में ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि पता पड़ सके आखिर सरकार की प्रायोरिटी क्या है, आम आदमी, सेना या नेताजी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।